हेलो फ्रेंड्स, आज आक नतुन एट भिडि आज भिडिओ मोस्ट इम्पर्टेन्ट भिडि लाइस जी भिडि आम सदा लाइफ दैनन्दिन लाइफ लगे थके क्या घर काम करवा फार्णिचार काम करूँ काठर हिसाब तो भलको नजानो तो कैनेक काठर हिसाब कर के वि की एफ टी कम जो काठ क्या के वि सी एफ टी यूर हिसाब आम दाम बोल लो ये के ऊपर यूर विषय आलोचना करम तो यू सबरे लाइफ लगे थके आशा करूँ भिडि अपने बहुत उपकारी हम तो बोल भिडि आरम्भ करूँ। प्रथम मैं एक काट तो देखा चाक एक काट तो आज ब्रेड तो आपनर 5 इंच और लेंथ तो आपनर 10 फुट और जी थिकनेस जी देखी से यू 1 इंच तो इमान बड़ काट देखी से आम एट तो नलो आम 10 पीस लो 20 पीस लो 30 पीस लो के घर शाटारिंग कारण घर फार्णिचार कारण बेलेग बेलेग काम कारण काट यूज करूँ तो किमान सी एफ टी आम काट के हल तो आम 10 पीस काट लगे इमान मेजारमेंट 5 इंच 1 इंच और 10 फुट काट तो किमान सी एफ टी हम तो ये आम तो बोलो आम कपित मैं भलको बुझा दीम अपना चाक जो बुझी नपाय मैं कमेन्ट और भलको बुझा दी चेस्ा करम चाक इतना मैं अपना काठर मेजारमेंट शिका दीम तो आम इतना के वि और सी एफ टी है अपने जैसे काट क्या चाहिए अपने दो मेजारमेंट कब है के वि कब ना सी एफ टी कब जो कि के वि काट लगे ना कब कि सी एफ टी काट लगे तो के वि और सी एफ टी है ये दो बस्तु आम इतना आज डिटेल्स आलोचना करम और हिसाब तो बुझा दीम के कि हिसाब कर लगे काठर हिसाब तो और यू हिसाब चाले अपना के भूल न और कोनो काठर दुकान कोई ठगिब लगा ना ना हिसाब बेलेगर पर विचार ना तो बोलो तो ये सपोज मैं एक काठ एक टुकुरा एट लैसो एने तो आको एक बार बना दीस मैं यू धरक अपर 12 फुट लम्बा आटो आज आपनर 3 इंची और यू आज 4 इंची तो इतना आम एक काट 12 फुट लम्बा काट 3 इंची 3 4 काट कि के वि हम चाक आम के वि जो हिसाब कर एक के वि तो आम कि आस 3 इंची बै 4 इंची बैठ हूँ 12 फुट तो यू गोटेक इंचित राखो 4 इंची 12 फुट आम कि जानो 1 फुट 12 इंच तो 12 फुट कि हम 12 इंटू कर दिले हो जा इंचित 3 इंची बै 4 इंची इंटू 144 यू इंची हल तो यू तीन इंटू कर दिले कि हम टोटल यू आपनर 1728 इंच क्यूब तमें यू 8 इंची तमें यू हूँ इंची किूब तो आम एक के वि काट कि इंची गम पाल मैं 1728 इंची किूब जो है तेज अपना जानवे यू एक के वि काट से सपोज एट बेलेग एट मेजारमेंट मैं लैसो अपना कह दूँ जो बेलेग एट मेजारमेंट सपोज अपना 5'2" काट कैसे तक्ता सपोज एने कैसे तो यू हूँ यू धरक 5 इंची यू धरक 2 इंची और यू धरक 8 फुट नर्मेली 8 फुट काट बेस पा जाए तो एने काट आम कि पीस लगे सपोज एने काट आम 10 पीस लगे तो कि के वि हम चाक इतना कि आज जो हिसाब करूँ तो 5 इंची जी हाइट आज 5 इंची ब्रेथ जी 2 इंची आज जी आपनर 8 फुट तो गोटेक इंचित राखिले कि हम 8 फुट तो जो अपना इंचित लय तो 12 इंटू कर दिले तो ये गोटेक हम अपना ये गोटेक इंटू कर 960 इंच क्यूब इंच क्यूब तो आम कि काट लगे कि पीस तमें यूट लगे आम 10 पीस काट लगे 10 पीस काट ये 960 इंच क्यूबर ये सेम मेजारमेंट काट 10 पीस लगे तो आम कि हल 9600 इंच क्यूब तो ये इंच क्यूबक जो 1728 दी भाग कर दूँ तो किमान के वि आसे
এটো ওলাই যাব তাহলে 1728 ইঞ্চ কিউব যদি ভাগ করে দিও তো কিমান হব 5.55 এটো হব আপনার কেবি ওলাই যাব কেজি নহয় কেবি এটো ইমান কেবি ওলাব সব এই সেম মেজারমেন্ট যদি আপনাকে সিএফটি তোলা সিএফটি বস্তুটো কি হয় কিউবিক ফিট এটো আমি কেবিটো ইঞ্চিত হিসাব করেছো কেবিটো হরু হরু কাঠ যেতিয়া কাটা থাকে মেজারমেন্টো যেতিয়া কাটা থাকে কাঠটো তেতিয়া আমি কেবিত হিসাব করব লাগে কেবিত হিসাব করলে ইঞ্চিত হরু হরু কাঠবোর লস নহয় দোকানদার লস নহয় আর কারো লস নহয় আর সিএফটি যেতিয়া কাটাটা কাটার আগত গোলাই থাকে যে বহুত ডাঙর এনেক রাউন্ড নাইবা বহুত ডাঙর গছ এটা এনেকুৱা থাকে তেতিয়া আমি সিএফটিত হিসাব করব লাগে তো এটো আমি সিএফটিত হিসাব করব পারি চাওক এই সেম মেজারমেন্টো যদি আমি সিএফটিত হিসাব করো তেতিয়া কি আহিব এটো 5 ইঞ্চি এই কাঠটো কৈছোঁ মই 2 ইঞ্চি আৰু এইফালে কিমান আছে 8 ফুট তো এইটো আমি কি জানো 1 ফুটত 12 ইঞ্চি তো 12 ইঞ্চিক 5 ইঞ্চিক 12 দি ডিভাইড কৰি দিলে এইটো ফুটত আহিব এইটো 12 দি ডিভাইড কৰি দিলে ফুটত আহিব তো এইটোতো ফুটতে থাকিব তো এই দুটা কিমান হ'ব এইটো হ'ব 0.42 আৰু এইটো হ'ব 0.17 তো গোটেইকেইটা ফুটত আহিছে হা এইটো ফুটত তো ফুটত হলে কি হ'ব বস্তুটো এইকেইটাত আহিব এইটো হ'ব 0.5712 তো এই এই মেজাৰমেণ্টত আমাৰ কিমানটা কাঠ লাগে 10 পিচ কাঠ লাগে এইটো হ'ল আমাৰ সিএফটি তো কিমান সিএফটি হ'ব সিএফটি মানে হ'ল সিএফটি মানে কি কিউবিক ফিট কিউবিক ফিট এইটো হ'ল আমাৰ সিএফটি তো ইমান এইটো ইনটু কৰি দিলে কি হ'ব 5.712 চাওক এই দুটা অলমোষ্ট একে অলমোষ্ট একে অলপ পইণ্টৰ ইফাল সিফাল হয় তো এইটো আমাৰ একো নহয় তো আল্টিমেটলি সিএফটি আৰু কেবি একে আমাৰ যদি কাৰ্ডবৰ মেজাৰমেণ্টত থাকে তেতিয়া আমি কেবিত হিচাপ কৰোঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ কাৰ্ড যেতিয়া কি থাকে এইটো আমি সিএফটিত হিচাপ কৰোঁ কেবি হিচাপ কৰিলে সৰু সৰু মেজাৰমেণ্টবোৰ আমি হিচাপ কৰিব পাৰি সেইটোৱে আমাৰ কেবি আৰু সিএফটিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ উপকৃত হ'ব যদি ভিডিওটা ভাল লাগিছে প্লিজ 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 লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰি আছোঁ বহুত ভিডিঅ' ভাল ভাল ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে কিবা বুজি নাপালে নাইবা কিবা যদি আৰু এনেকুৱা মেজাৰমেণ্ট ৰিলেটেড কিবা যদি থাকে আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই তো মোক জনাব মই আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ ছ' মাছ